बनाने जा रही हूँ मटर पुलाव। मटर पुलाव के लिए मैंने लिए हैं 2 गिलास चावल, 2 आलू लेके मैंने उनको स्लाइस में काट लिए, 1 बॉल लिए हैं मैंने मटर, ये गरम मसाले सारे खड़े मिक्स लिए, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 से 2 टमाटर, 12 से 13 हरी मिर्ची और 1 अदद प्याज, 1 कप ऑयल। मैंने इसमें हरी मिर्ची ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, इसमें लाल मिर्ची मैं नहीं ऐड कर रही। ये हरी मिर्ची का और काली मिर्ची का पुलाव, मटर पुलाव बनाने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने चूल्हे पे कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल जो लिया था वो इसमें ऐड करूँगी, और सबसे पहले इसमें ऐड करूँगी मैं प्याज जो मैंने चॉप करके रखी थी, तो फ्राई करूँगी। अब मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। अब ये प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, अब इसमें ऐड करूँगी मैं ये आलू। मटर, गरम मसाले, हरी मिर्ची आधी मैं अभी ऐड करूँगी, आधी लास्ट में। टमाटर, काली मिर्ची, चिकन पाउडर, नमक, अब ये सारे मसाले ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए मैं भूनूंगी, ताकि हमारे ये आलू और मटर अच्छे से गल जाए। ये देखें मसाले को हमने अच्छे से भून लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, पानी इसमें ऐड करूँगी मैं 3 गिलास, 2 गिलास चावल लिए मैंने और 3 गिलास पानी इसमें ऐड करूँगी। 1 उबाल आने के बाद इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। चावल मैंने उसको वाश करके रखे थे। अब ये हमारे चावल में से पानी खुश्क हो गया। अब मैं लास्ट में 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करूँगी और इसको दम पे रखूँगी। अब ये हमारे चावलों में दम आ गया। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारा मटर पुलाव तैयार हो चुका है और उसको मैंने डिश आउट कर दिया है। साथ में मैंने इसके दही का रायता बनाया। अगर आपको ये हमारा मटर पुलाव अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।